के समंदर में अगले 120 घंटे बड़ी हलचल चल रही है। INS विक्रांत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ नेवी के टॉप कमांडर्स की मीटिंग हो रही है। देश के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट करियर पर वॉर रूम क्यों एक्टिव है, चीन और पाकिस्तान क्यों टेंशन में है, ये समझने के लिए हम आपको आज सीधे INS विक्रांत पर लेकर चलेंगे। आपको INS विक्रांत की एक ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी। INS विक्रांत कितना ताकतवर है, इससे भारत के दुश्मनों को क्यों परेशान होना चाहिए, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। ये समंदर का सिकंदर है, शहंशाह है। ये चीन और पाकिस्तान के लिए काल है। ये भारत की समुद्री सीमाओं का रखवाला है। ये मेड इन इंडिया की ताकत INS विक्रांत है। समंदर की तेज लहरों को चीरकर दुश्मन को चुनौती देने वाले एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत पर भारत को नाज है। और हो भी क्यों ना, INS विक्रांत सिर्फ भारत की समुद्री सीमाओं का प्रहरी नहीं, ये दुश्मन की सीमाओं में तबाही मचाने की ताकत भी रखता है। इसके फ्लाइंग डेक से उड़ने वाले फाइटर जेट्स दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें पलक झपकते ही नेस्ते नाबूद कर सकते हैं। आज उसी अजय और फौलादी INS विक्रांत पर इंडिया टीवी पहुंचा है। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद आपको इस सुपर वॉरशिप की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे जो आपने इससे पहले नहीं देखी होंगी। हम इस समय INS विक्रांत में हैं। कुल मिला के 59 मीटर इसकी हाइट है। 1700 सेलर्स और ऑफिसर्स एक साथ इसमें रह सकते हैं और करीबन 40,000 टन इसका वेट है। हम यहां पर मौजूद हैं और इस समय INS विक्रांत पे सी डोमिनेंस यानी ब्लू वाटर डोमिनेंस करते हुए ये भारतीय नौसेना की ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस है। 76% ये भारत के द्वारा तैयार किया हुआ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ठीक सामने यहाँ पर भारतीय नौसेना का सरफेस एक्शन ग्रुप है जिसमें डिस्ट्रॉयर्स हैं जो कि अपनी मिसाइल से लैस हैं। INS कोची जिससे ब्रह्मोस को फायर किया गया, उसके अलावा डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और बाकी वो क्राफ्टशिप हैं जो कि एम्फीबियस ऑपरेशन के लिए बेहद कारगर हैं। भारतीय नौसेना के साथ साथ भारतीय सेना को भी ये काफी मैनूवर कैपेबिलिटी प्रदान करता है। हम INS विक्रांत में हैं और इस INS विक्रांत की ये पूरी लंबाई 262 मीटर है, यानी इनिशियल पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक कुल मिला के 62 मीटर ये चौड़ा है। और इस पर MiG-29K जो कि ब्लैक पैंथर्स जो स्क्वाड्रन है भारतीय नौसेना की, उसका हिस्सा है चेतक हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ये सभी वो भारतीय नौसेना की ताकत है जो इनको 24 घंटे ऑपरेशनली प्रिपेयर्ड बनाती है। किसी भी नेवल ऑपरेशन में एयरक्राफ्ट के कैरियर पर टच डाउन, लैंडिंग और टेक ऑफ बेहद मुश्किल काम होता है, लेकिन INS विक्रांत MiG-29 की ये लैंडिंग ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय नौसेना हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने में पूरी तरह से तैयार है। नेवल ऑपरेशंस में एयरक्राफ्ट कैरियर पर टच डाउन, लैंडिंग और टेक ऑफ बेहद मुश्किल है और इसीलिए अब MiG-29 के INS विक्रांत जो कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, उसी के ऊपर MiG-29 के जो कि ब्लैक पैंथर स्क्वाड्रन भारतीय नौसेना का है वो अब लैंड कर रहा है। तेज रफ्तार से जब ये इसने टेक ऑफ किया तो उसके बाद पूरा मैनोवर किया, मैनोवर करते हुए एयर ऑपरेशंस और डोमिनेंस दिखाया। 3 वायर्स हैं और फिर उसके बाद अब MiG-29 के महज 100 मीटर के अंदर ही पूरी तरह से इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड कर चुका है। यही भारतीय नौसेना का दमखम दिखाता है। कुल मिला के 76% से ज्यादा ये आत्मनिर्भरता के द्वारा इसे INS विक्रांत को तैयार किया गया और ये जो 3 वायर पहला, दूसरा, तीसरा, इन्हीं वायर के जरिए ये जो फ्लाइट जब
फाइटर एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो अरेस्ट करता है या नीचे रोकता है, और रोकने के बाद इसकी लैंडिंग होती है। इंडिया टीवी आपको इस समय ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भरता वाली ताकत, और साथ में एयर और सी ऑपरेशन ने इसमें मे 29 के जो कि फाइटर पायलट भारतीय नौसेना का है उसने इसे फ्लाई करवाया, और फ्लाई करवाने के बाद अब इसे हॉल्ट पोजीशन पे अपनी जगह पर ले जा रहा है। वहीं जो पूरे जो इस समय क्रू है वो अलर्ट है। ये 10वां फ्लोर है, कुल मिला के जो इसकी चौड़ाई है 62 मीटर की है, 262 मीटर इसका लेंथ है, 59 मीटर जो कि हम खड़े हैं वो देवी मंदिर है, और कुल मिला के जो रडार का टॉप एंटीना है वो 15वें फ्लोर पर है जहाँ से पूरा कोऑर्डिनेशन किया जाता है। जब भी एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है तो उसके साथ साथ सी के अंदर एक पूरी फ्लीट काफी एक्टिव रहती है ताकि भारतीय नौसेना अपनी पूरी शक्ति और ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस के साथ किसी भी चुनौती का सामना कर सके। और यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान को मात देने वाली ये भारतीय नौसेना की वो शक्ति है जिसमें और आत्मनिर्भरता की वजह से इजाफा होता जा रहा है। INS विक्रांत का फ्लाइंग डेक 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इस पर 30 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट की तैनाती की जा सकती है। कोमोव 31 हेलीकॉप्टर और MH-60 हेलीकॉप्टर जैसे अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। INS विक्रांत का वो फ्लाइंग डेक जहां से टेक ऑफ और लैंडिंग की जाती है फाइटर एयरक्राफ्ट की, कुल मिला के 262 मीटर इसकी लंबाई है और 62 मीटर इसकी चौड़ाई है। आसानी से यहाँ पर ऑपरेशनल तैयारी के साथ कुल मिला के 30 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और अटैक हेप्टर के तौर पर इस पे इनकी तैनाती की जा सकती है। हम जिस जगह पर हैं वो 10वां फ्लोर है। कुल मिला के R-11 कॉल साइन वाला इस INS विक्रांत के ये 15 फ्लोर हैं। सबसे ऊपर रडार जो स्टेशन है वो वहां पर है, और इसके साथ साथ यहाँ पर हाल ही के दिनों में LCA नेवल वर्जन और उसके अलावा MiG-29K का टेक ऑफ और लैंडिंग की गई है, और ये R-11 जो हाईली मॉडर्न इक्विपमेंट से पूरी तरीके से लैस है। इस एयरक्राफ्ट में 2300 से ज्यादा कंपार्टमेंट है, जबकि इसमें 2400 किलोमीटर लंबे केबल वायर का इस्तेमाल किया गया है। INS विक्रांत इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 1700 लोग आ सकते हैं। इस अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर की टॉप स्पीड लगभग 28 समुद्री मील है। 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर जगह वाला डेक इसे बेहद खास और विश्व स्तरीय बनाता है। तारों का जाल ऐसा कि बिछाने पर कोची से दिल्ली तक पहुंच जाए। INS विक्रांत पर 24 मेगावाट तक बिजली भी तैयार की जाती है। कॉल साइन R-11 INS विक्रांत देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक इस समय पूरी तरह से ब्लू वाटर को डोमिनेट करने के लिए और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ तैयार है। इस समय हम INS विक्रांत पर हैं। INS विक्रांत पर इस समय नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। हम आपको ये भी बता दें कि इस INS विक्रांत की कुल लंबाई 262 मीटर है, और इसी पर फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-29K और LCA नेवल वर्जन जैसे लैंड और टेक ऑफ आसानी से कर सकते हैं। एक साथ यहां पर 30 से ज्यादा की संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट कमोव, उसके अलावा जो रोमियो MH-64 हेलीकॉप्टर्स हैं, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, चेतक, चीता जैसे हेलीकॉप्टर्स आसानी से यहां पर फ्लाई करते हैं, लैंड करते हैं और टेक ऑफ करते हैं। कुल मिला के 59 मीटर इसकी हाइट है, यानी बेस से लेकर 15 मंजिला इमारत की तरह ये पूरा जो INS विक्रांत है उसका स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर रडार, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो जहां से कंट्रोल रूम और मॉनिटरिंग की जाती है वो स्ट्रक्चर यहां पर मौजूद है। एक साथ यहां पर फाइटर एयरक्राफ्ट का डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस के तौर पर यहां पर उनका रखरखाव किया जाता है। MiG-29 के सामने है, उसके अलावा कामोव है, सीकिंग हेलीकॉप्टर है। कुल मिला के ये जहां पर हम अभी खड़े हैं उस जगह से लेकर इस जगह तक कुल मिला के 62 मीटर की इसकी चौड़ाई है, और यही INS विक्रांत को और कार्यकुशलता के साथ आगे बढ़ाता है। कुल मिला के 1700 ऑफिसर्स और सेलर्स एक साथ इस पर आसानी से तैनात हो सकते हैं, और यही नहीं बल्कि 24 मेगावाट के लगभग ये बिजली जनरेट करता है। इसमें जो स्टील लगा है वो कुल मिला के एफिल टावर को अगर 4 बार कर दे तो वो उतना होगा। जो फुटबॉल स्टेडियम है उसके
करीबन ऐसे फुटबॉल स्टेडियम्स को अगर डबल ट्रिपल कर दें तो उतना इसका पूरा एरिया है। और हम आपको ये भी बता दें कि इसी वजह से अब जो INS विक्रांत को कैरियर बैटल ग्रुप के तौर पर इसकी ऑपरेशन प्रिपेयरनेस और साथ में जो भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और कॉर्वेट हैं उनके साथ मिलाकर अलग अलग जगहों पर इनकी तैनाती की जा रही है। INS विक्रांत का 70% से ज्यादा हिस्सा भारत में बना है। नेवी चीफ को भरोसा है कि 2047 तक भारतीय नौसेना 100% आत्मनिर्भर हो जाएगी। विक्रांत इज अ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ आत्मनिर्भरता। ये अभी ये जहाज तो 76% इंडिजिनस है। इसका जो स्टील है वो देश में बनाया हुआ है, DMR 249। As of today, 43 ships and submarines are on order, and out of which 41 are being built in India. और हमने national leadership को ये commitment दिया है कि 2047 तक, that अमृतकाल जब खत्म हो जाएगा, तब तक भारतीय नौसेना will be 100% आत्मनिर्भर। अब इन तस्वीरों को देखिए। गोवा तट के समंदर से करीब 60 किलोमीटर दूर ये इंडियन नेवी का ऑपरेशन प्रिपेयरनेस है। INS विक्रांत के क्रिएटर बैटल ग्रुप, जिन्हें एंटी सबमरीन समेत दूसरे नेवल ऑपरेशन में महारत हासिल है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ चल रहे हैं। भारतीय नौसेना के ये डिस्ट्रॉयर दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये भारतीय नौसेना का सरफेस एक्शन ग्रुप है, यानी साधारण शब्दों में रणनीतिक तौर पर जब ऑपरेशन प्रिपेयरनेस के साथ दुश्मन को चुनौती देने के लिए हर मोर्चे पर जब नौसेना निकलती है तो इसी तरह से रणनीतिक तौर पर उनके डिस्ट्रॉयर्स, उनके फ्रिगेट्स और साथ में जो क्राफ्ट बोट्स हैं उनका पूरा एक काफिला साथ होता है। इंडिया टीवी इस समय INS विक्रांत से आपको सरफेस एक्शन ग्रुप दिखा रहा है, उनका मनोवर दिखा रहा है, ताकि जो साउथ चाइना सी और इंडियन वाटर को डोमिनेंस करते हुए भारतीय नौसेना रणनीतिक तौर पर चीन को मात दे सके, टक्कर दे सके। दरअसल इसमें जहां डिस्ट्रॉयर्स हैं और कोची क्लास भी है, जिसमें ब्रह्मोस से वो पूरी तरीके से लैस है और ब्रह्मोस को फायर किया गया, उसके साथ साथ यहां पर जो बाकी जो शिप्स हैं वो मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ INS विक्रांत पे इस समय एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, उसके अलावा MiG-29 और जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, नेवल वर्जन NPA से कहा जाता है, वो इसे टेक ऑफ और लैंडिंग की जाएगी। यहां पे पूरी तैयारी कर ली गई है, जहां सामने ऑपरेशन प्रिपेयरनेस दिखाते हुए, यानी एक दुश्मन को चुनौती देने के लिए भारतीय नौसेना पूरी तरह से 2400 घंटे की जो तैयारी है वो दर्शा रही है। तो यहां पर INS विक्रांत के जरिए इस समय ये बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के मदद से जो कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन ग्रुप है उसमें पूरी तैयारी भारतीय नौसेना की 2400 घंटे है। तस्वीरें मीडियम रेंज सर्विस टू एयर मिसाइल की है, जिन्हें INS विशाखापट्टनम से लॉन्च किया गया है। दो दिन पहले इसी तरह INS कोची से ब्रह्मोस मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया था। मतलब साफ है, भारतीय नौसेना की ऑपरेशन कैपेबिलिटी दुश्मन की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के जरिए इस समय दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करने की रणनीति के साथ इस समय भारतीय नौसेना के जो फ्रिगेट्स हैं, उसके अलावा जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए जो शिप्स हैं, वो पूरी अपनी एक्टिविटी के साथ हैं। सबसे पहले INS तरकश, INS टेग, तबर और उसके बाद एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए किल्तन, खदमत और कावरत है। ठीक पीछे उसके कामोव हेलीकॉप्टर है और जो डोमिनेंस है उन्हीं डोमिनेंस को दिखाने के लिए इसकी पूरी तैयारी है। ठीक सामने आप देखें तो ये धीरे धीरे आगे मूव कर रहे हैं और मूव करने के साथ साथ जो इस समय जो एरिया है उसको डोमिनेट किया जा रहा है। दरअसल इस वक्त INS विक्रांत पर नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस चल रही है। चीन और पाकिस्तान की समुद्री चुनौतियों से कैसे निपटना है, भारतीय नौसेना को कैसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाना है, इसकी रणनीति बन रही है। 6 दिन चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी पहुंचे हैं। मैं आश्वस्त हूं कि बड़े 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 से बड़े चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमारी अमेरिकन सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए हमारी इंडियन नेवी पूरी तरह से तैयार है।
और जब तक किसी राष्ट्र की सुरक्षित न हो तब तक उस राष्ट्र की आर्थिक प्रगति यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में तो कल्पना की ही नहीं है। पूरा देश आश्वस्त है, चाहे जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों हों उसका मुकाबला करने के लिए हमारे देश के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवान भी पूरी तरह से तैयार है। भारत माता की जय घोष के साथ राजनाथ सिंह को इंडियन नेवी के फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर ने सलामी दी। इसमें भारतीय नौसेना के ये फ्रिगेट उसके अलावा डिस्ट्रॉयर्स रक्षा मंत्री को सलामी दे रहे हैं और भारत माता की जय घोष के साथ ये इस समय इस समुद्र में अपने ऑपरेशंस के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको ये बता दें कि कमांडर कॉन्फ्रेंस के बीच में भारतीय नौसेना के जो इस समय अलग अलग डिस्ट्रॉयर्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, कॉर्वेट और फ्रिगेट हैं, INS सतपुरा, INS कोची, INS चेन्नई, INS कोलकाता, INS शेषाद्री, रणविजय, INS तरकश। उसके अलावा जो बाकी जो कॉर्वेट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यही भारतीय नौसेना का दमखम है। ठीक सामने इस समय जो सेलर्स हैं भारतीय नौसेना के साथ में ऑफिसर्स हैं वो अपने पूरे प्लेटफॉर्म के साथ हाईली इक्विप्ड होकर इस समय यहां पर ऑपरेशंस के लिए आगे बढ़ रहे हैं और एक एक करके ये रक्षा मंत्री को सलामी दे रहे हैं। ये कंबाइंड कॉन्फ्रेंस है और एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स का वो हिस्सा है जिसमें अपने पूरे ऑपरेशंस और प्रिपेयर्डनेस के साथ इन्होंने ब्लू वाटर यानी जो चीन की सीमा है समुद्र की उस पर अपने तिरंगे को अपने परचम को लहराया है और इसीलिए इस समय यहां पर ऑपरेशंस करते हुए डिस्ट्रॉयर्स साथ में फ्रिगेट और जो कॉर्वेट है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एक तरफ जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं तो वहीं दूसरी तरफ नौसेना चीफ और साथ में यहां पर वो सभी शिप हैं जो रक्षा मंत्री को सलामी दे रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि जब चीन ने अपना स्पाई जहाज भेजा था या फिर चीन की सबमरीन ब्लू वाटर की तरफ आगे बढ़ रही थी तो उस दौरान इन्हीं शिप्स ने उन्हें काउंटर किया और फिर पीछे की तरफ धकेला और यही जय घोष जो कि भारत माता की जय के साथ देश को भारतीय नौसेना की ताकत के बारे में बताता है। इस समय भारतीय वायुसेना को कुल मिलाकर 26 फाइटर लड़ाकू विमानों की जरूरत है। इसीलिए जहां एक तरफ LCA वेवी वर्जन तैयार है तो वहीं दूसरी तरफ राफेल मरीन और F-18 का भी ट्रायल हो चुका है। भारतीय नौसेना के चीफ के मुताबिक कुल मिलाकर 26 फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत इस समय भारतीय नौसेना को है। इस समय फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर भारतीय नौसेना में MiG-29K और LCS-NP यानी नेवल वर्जन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का दो प्रोटोटाइप के तौर पर है, लेकिन आने वाले समय में इसकी संख्या 26 के तौर पर भारतीय नौसेना को जरूरत है। इसीलिए रफाल मरीन और साथ में F-18 का ट्रायल किया जा चुका है और ट्रायल के बाद अब फर्दर इसे देखा और समझा जा रहा है। हम इस समय LCA-NP यानी नेवल वर्जन जो LCA का है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का उसके ठीक सामने खड़े हैं। ये पूरी तरीके से स्वदेशी है, आडा और DRDO ने इसे तैयार किया है। दरअसल इसके साथ साथ TED-BF यानी ट्विन इंजन जो फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे DRDO तैयार कर रहा है उसको भी प्रोटोटाइप के तौर पर उसकी तैयारी की जा रही है। नौसेना प्रमुख ने इस बात को कहा है कि देश की आत्मनिर्भरता के तौर पर इस समय हम उन इक्विपमेंट्स और प्लेटफॉर्म को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं जो कि पूरी तरीके से भारत में तैयार है, लेकिन अभी के सिचुएशन को देखते हुए कुल मिला के 26 के लगभग फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत इस समय भारतीय नौसेना को है। इसीलिए LCA-NP जो कि नेवल वर्जन है उनका इस पर ट्रायल करवाया गया। MiG-29K की अलग अलग स्क्वाड्रंस ऑलरेडी भारतीय नौसेना में है और इस समय INS विक्रांत में इनका डिप्लॉयमेंट है। हम आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही के दिनों में INS विक्रांत अपने 25 दिन के ऑपरेशनल पूरी ड्यूटी को पूरा कर एक बार फिर से सीशोर पे आया और फिर उसके बाद एक बार फिर से तैयार है अलग अलग जगहों पर ब्लू वाटर को डोमिनेट करने के लिए। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्वदेशी LCA के नेवल वर्जन पर बैठकर उसका जायजा लिया। देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक INS विक्रांत और इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह LCA नेवल वर्जन पे हैं और यहाँ पर उनको कॉमोडोर दहिया
LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नेवल वर्जन की एक एक जानकारी दे रहे हैं। दरअसल ये देश की आत्मनिर्भरता को और आगे बढ़ाता है। इसमें DRDO और ADA लैब मिलकर जहां पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस उन्होंने तैयार किया भारतीय वायुसेना के लिए, तो अब भारतीय नौसेना के लिए LCA नेवल वर्जन यानी LCA NP-1 तैयार किया गया है और आने वाले दिनों में TED-BF यानी ट्विन इंजन जो फाइटर जेट है वो भी भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जा रहा है। कॉमोडोर धैया ने खुद बारीकी बताते हुए LCA NP-1 की रक्षा मंत्री को बताया और फिर उसके बाद ये वो समय है जब देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीकात्मक तौर पर और आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहा कि देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर इक्विपमेंट्स और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए। कैमरामैन बलराम के साथ मनीष प्रसाद, India TV, INS विक्रांत। India TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें India TV News Google Play Store या App Store पर।